राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर निर्माणाधीन फोर लेन पर फर्राटा भर रही रोडवेज बसें। चांदा बाजार में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कुछ रोडवेज बसें निर्धारित लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर निर्माणाधीन फोर लेन से होकर गुजर रही हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। यात्री चांदा कस्बे में स्थित निर्धारित बस स्टॉप पर रोडवेज बसों के आने का प्रतीक्षा करते रहते हैं और उधर कुछ रोडवेज बसें निर्माणाधीन फोर लेन से होकर निकल जाती हैं, जिससे राहगीरों को कई घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ता है। चांदा बाजार में लगभग 500 मीटर की दूरी से होकर फोर लेन बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इस फोर लेन बाईपास का निर्माण कार्य अभी जारी है और इसे अभी तक परिवहन विभाग के हस्तांतरित भी नहीं किया गया, जिसके बावजूद कुछ रोडवेज बसें इसी निर्माणाधीन फोर लेन बाईपास से होकर गुजर रही हैं। यात्रियों के माने तो बस चालकों द्वारा बसों में चढ़ने से पहले यात्रियों से कहा जाता है कि बस बाजार से होकर नहीं जाएगी, जिसके बाद यात्रियों को मजबूरन अपने गंतव्य से सैकड़ों मीटर की दूरी पर उतरना पड़ता है। यात्रियों के माने तो ये स्थिति रात में और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यात्रियों को रात में निर्माणाधीन फोर लेन बाईपास के सुनसान स्थान पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है, जहां उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। लेकिन कुछ रोडवेज बस के चालक अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। टीवी इंडिया 18 न्यूज़ सुल्तानपुर से संवाददाता दीपक शुक्ला की खास रिपोर्ट।